नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेरोरिस प्रो सिरप के बारे में, जानेंगे क्या इसके यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, किस किस बीमारी में फेरोरिस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों फेरोरिस प्रो सिरप की बात करें तो बैटले फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, 125 रुपीज़ की इस पर MRP होती है, जो कि 200 ml की पैकेजिंग में ये सिरप आता है। दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइकोबालामिन, फोलिक एसिड और क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके यूज के बारे में, फेरोरिस प्रो सिरप को किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करें, यदि आपके शरीर में खून की कमी हो जाए या आपके शरीर में कमजोरी है या थकान या चक्कर आना या काम करने में आपके मन ना लगना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट या प्रेगनेंसी में महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, उन सभी को पूरा करने के लिए इस फेरोरिस प्रो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितनी कितनी मात्रा में आप इस फेरोरिस प्रो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक एडल्ट व्यक्ति की डोज की बात करें, दिन में 3 बार 10-10 ml आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, तनाव, प्रेगनेंसी में खून की कमी, इन सभी को दूर करने के लिए आप दोस्तों फेरोरिस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपको मेडिकल स्टोर पर फेरोरिस नाम से नहीं मिलता है, तो आप इसके अंदर फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइकोलामिन, फोलिक एसिड, क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत माइनर से साइड इफेक्ट हैं इसके इस्तेमाल करने से, पेट में गैस की शिकायत हो सकती है और वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, ये सारे सिम्टम आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।